विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है कुंभ। यह किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से आरंभ नहीं हुआ था, अपितु समय ने स्वयं ही इसके इतिहास की रचना कर दी। वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं, न कि इतिहास पर। इतिहास साक्षी है कि कुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। इस वर्ष का कुंभ मेला तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जिसे अर्द्ध कुम्भ कहा जाएगा। यह प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होता है, जबकि पूर्ण कुंभ या महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में। प्रयागराज में कुंभ शब्द कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानस पटल पर चमक उठता है। अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर संत पंडालों में धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषियों द्वारा सत्य ज्ञान एवं तत्वमीमांसा के उद्गार, मुग्धकारी संगीत, नादों का संवेद अनहद नाद, संगम में डुबकी से आप्लावित हृदय एवं अनेक देवस्थानों के दिव्य दर्शन प्रयागराज कुंभ में देखने को मिलेंगे। 50 दिनों तक संगम क्षेत्र के आसपास हजारों हेक्टेयर भूमि पर चलने के कारण यह स्थान विश्व का विशालतम और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अस्थायी शहर बन जाता है। प्रयागराज का कुंभ मेला अन्य स्थानों के कुंभ की तुलना में काफी अलग है। पहला कि दीर्घकालिक कल्पवास की परंपरा केवल प्रयागराज में ही है। दूसरा, कतिपय शास्त्रों में त्रिवेणी संगम को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। और तीसरा यह कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि सृजन के लिए यहाँ यज्ञ किया था। चौथा यह कि प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। प्रयागराज कुंभ में अनेक कर्मकांड सम्मिलित हैं और स्नान कर्म कुंभ के कर्मकांडों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि भारतीय परंपरा में स्वच्छता का कितना महत्व है। त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर व्यक्ति अपने समस्त पापों को धो डालता है तथा स्वयं को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से अवमुक्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी हमारी मान्यता है। कुंभ में कुल 6 स्नान पर्व होंगे। पहला स्नान 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा, जबकि दूसरा पौष पूर्णिमा 21 जनवरी को, तीसरा स्नान 4 फरवरी को मौनी अमावस्या पर, चौथा 10 फरवरी को बसंत पंचमी पर, पांचवा 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर तथा छठवां और अंतिम स्नान 4 मार्च को महाशिवरात्रि के पर्व पर होगा। प्रयागराज भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक केंद्र रहा है। प्रयागराज वायु, रेल एवं सड़क मार्ग के द्वारा भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा है। सभी गंतव्य स्थानों से रेल मार्ग सुलभ है। प्रयागराज का एयरपोर्ट शहर के केंद्र से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ आने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से सीधी उड़ानें हैं। यहाँ सड़क मार्ग से आने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित बस सेवा या निजी साधनों का उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इस आयोजन के दौरान एक दिन पहले व एक दिन बाद किसी भी तरह के प्रोटोकॉल पर मनाही है। सफाई और स्वच्छता का यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस विभाग भी अपने संपूर्ण संचार, उद्घोषणा एवं निगरानी तंत्र के साथ सक्रिय है। 500 बैटरी चालित ई रिक्शे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को भ्रमण कराएंगे, जबकि 500 से अधिक शटल बसें पार्किंग स्थान से मेला क्षेत्र तक चलाई जाएंगी। तीर्थयात्रियों की सुगमता के लिए सूचना देने हेतु SMS अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें यात्रियों को खोया पाया केंद्रों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, टेंट बुकिंग, सफाई, फूड कोर्ट, राशन व सब्जी की दुकानों सहित रेल और बस टिकट की बुकिंग के लिंक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ 4 प्रकार के टेंट शहरों का निर्माण किया गया है। सहज यातायात के लिए जगह जगह पर कुल 1500 मार्ग निर्देशक साइन बोर्ड भी लगाए गए, जहां शंख प्राण तक गूंज उठें, जहां भक्ति लहर उठकर बोले, जहां पुण्य जगे गहराई से और श्रद्धा भी आंखें खोले। अमृत स्नान की बेला है, ये अमृत पान की बेला है मोक्ष द्वार भी खुले हुए। शुभ उत्सव है, शुभ मेला है, सब उस दर्शन के लिए चलें, अर्पण करने सर्वस्व चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें।